नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो फिलहाल देख सकते हैं आपसे कुछ ही देर में जितने भी मंत्री हैं जेडीयू कोटे के और बीजेपी कोटे के, वो फिलहाल यहाँ पर शपथ लेंगे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कि बिहार के राज्यपाल हैं, वो फिलहाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसके बाद अब तमाम जितने भी मंत्री हैं उनका आगमन हो गया है जो शपथ लेने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी फिलहाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा अगर जेडीयू कोटे से मंत्रियों की बात करें या फिर बीजेपी कोटे से अगर मंत्रियों की बात करें, तो कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं और आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी चंद मिनटों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं जितने भी तमाम मंत्री हैं, उनको राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। और ऐसे में जो जो मंत्री यहां पर शपथ लेने वाले हैं उनके नाम का जिक्र हम आपको कर देते हैं। जेडीयू कोटे के मंत्री सुनील कुमार, शीला मंडल, अशोक चौधरी, महेश्वर हजारी, जयंत राज, जमा खान, लेसी सिंह, रत्नेश सदा और मदन सहनी अभी फिलहाल इस वक्त शपथ लेने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो मंगल पांडे, रेणु देवी, नीरज बबलू, नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, जनक राम, केदार गुप्ता, दिलीप जायसवाल, हरी सैनी और सुरेंद्र मेहता, संतोष सिंह, ये कुछ नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री बनने वाले हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर जय श्री राम का नारा भी लग रहा है। अतिथि भी आ चुके हैं, फिलहाल जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उत्साह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अगर जेडीयू की बात करें तो उनमें दोनों ही में से जो मंत्री हैं वो शपथ लेने वाले हैं। और ऐसे में अब कल लोकसभा चुनाव के डेट्स के अनाउंसमेंट होने वाली है और ऐसे में अब आज से पहले किस तरीके से यहाँ पर मंत्री शपथ लेने पहुँच चुके हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहला नाम रेणु देवी जो बीजेपी से हैं, वो फिलहाल यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और शपथ लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर रेणु देवी को शपथ दिलाते नजर आ रहे हैं और शपथ लेती हुई रेणु देवी नजर आ रही। तो पहली तस्वीर जो है वो हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं दर्श न्यूज पर। और जिस तरीके से आज कैबिनेट का विस्तार हो रहा है लोकसभा चुनाव के अनाउंसमेंट के ठीक एक दिन पहले, वो हम आपको दिखा सकते हैं। और किस तरीके से राजभवन के अंदर भारी भीड़ जो है तमाम लोगों की, वो देखने को मिल रही है, ये हम आपको साफ तौर से दिखा रहे हैं। तमाम जितने भी अतिथि हैं वो फिलहाल यहाँ पहुँच चुके हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, राजभवन की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर अब जितने भी अतिथि हैं वो पहुँच चुके हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो शपथ लेना शुरू कर दिया है मंत्रियों ने। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।